ग्राम प्रधान राहुल शर्मा ने गांव में विकास की पहुंचा। अलीगढ़ खैरला खंड के ग्राम बिरुआ नगला गांव के ग्राम प्रधान राहुल शर्मा ने अपने 2 साल के प्रधानी में गांव पंचायत में विकास की पहुंचा कर दी। विकास के मुद्दे को लेकर समाचार प्राइम 24 के रिपोर्टर अमित शर्मा ने प्रधान राहुल शर्मा से खास बातचीत की। राहुल शर्मा ने गाँव में क्या क्या विकास कराए तथा आगामी समय में गाँव में किस प्रकार विकास कराने की योजना है। नमस्कार दर्शकों, आज हम लेकर हाजिर हैं एक नया शख्सियत का नया इंटरव्यू। आज हम आप पहुंचे हैं ऐसे शख्सियत के पास जिससे आप भले ही परिचित हैं। आज हम आप पहुंचे हैं कुसरम गांव के पास बीरुआ गांव ग्राम प्रधान राहुल शर्मा जी के पास। क्या एक आपके लिए जाने पहचाने चेहरे हैं, एक जिलाध्यक्ष भी हैं प्रधान संगठन के, और इनसे हम आपके आज खास बातचीत कराएंगे, खास रूबरू कराएंगे। क्या इन्होंने विकास कार्य इस गांव में किए, इन सभी बातों को लेकर इनसे बात करेंगे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, तो इनसे बात करेंगे इन्होंने अपने 2 साल के कार्यकाल में किस प्रकार का विकास कार्य किया और गांव में क्या जरूरत थी। प्रधान बनने से पहले गांव में किस प्रकार की जरूरत थी, इन्हीं सभी बातों को लेकर बात करेंगे इनसे। आपने अपने प्रधानी काल में क्या क्या विकास कराए, कार्य कराए इस गांव में। मेरे ग्राम पंचायत उत्सव में मैंने 800 मीटर सीसी रोड बनवाया है और 25 सोलर लाइट लगवाई हैं और एक करवा नदी है हमारे यहाँ, कभी उसके ऊपर पुल नहीं है, किसानों को निकलने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी, तो उस पर एक पुल बनवाया है। ये तो इन्होंने अपने 2 साल के काल में जो विकास कार्य कराए, यहाँ से लेकर जो है गांव तक का सीसी रोड बनवाया, लाखों रुपए का इसमें खर्चा आता है, उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये कार्य कराए। अच्छा, मोदी जी की एक योजना चल रही है स्वच्छ भारत अभियान, उसके प्रति आपकी क्या सोच है और उस स्कीम को आप किस प्रकार से गांव की जमीन पर उतारने वाले हैं, क्या उसकी सोच है। हमारे यहाँ स्वच्छ भारत के लिए मैंने अपने गांव में एक प्रस्ताव रखा है लेटनों का, वो स्टेट लेवल में यहाँ डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गया है और मैं जो पात्र लोग हैं उनके यहाँ घर घर में लेटन बनवा दूँगा शौचालय। क्या मोदी जी की एक स्कीम है कि हर ज़रूरतमंद को, बेघरों को, असहाय को, जिनके पास घर नहीं है, उस स्कीम को, उस योजना को आप किस प्रकार से गांव की जमीन पर धरातल पर उतारेंगे, उसके लिए आपकी क्या व्यवस्था है, क्या आपने योजना बनाई। जो पात्र लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है, उसके लिए रोजगार प्लस उनके लिए घर मैं बनवाऊंगा। देखा गया है आप जो है प्रधान संगठन भी रहे, प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं, आपने गांव की ज़रूरतों को देखा, कराया और आपका जो है सामाजिक कार्यों में भी जुड़ाव रहा है, सामाजिक कार्य भी आपने किए हैं। किस प्रकार के सामाजिक कार्य आपने इस गाँव में कराए हैं अपने जेब खर्च से, ये काफ़ी चर्चाओं का विषय चलता है। हमारे गांव में एक शिव मंदिर है, वहाँ प्रॉब्लम थी पानी की, वहाँ मैंने समल लगवाई है, चामड़े वहाँ पूरी बाउंड्री कराई है और सीसी रोड भी बनवाया है। मैं चाहता हूँ जितना मेरे पैसे से अगर मेरा विकास हो जाए तो अच्छी बात है। ज़रूरतमंदों को कुछ बताया गया था कि राशन कार्ड जहाँ पहले उपलब्ध नहीं थे पूर्व में, और आपने बनने के ग्राम प्रधान बनने के बाद गांव में जो पात्र लोग हैं उनका राशन कार्ड भी बनवाया, कुछ लोगों की पेंशन भी बनवाया जो पूर्व में नहीं थे। आपको कैसा लगा इन चीज़ों की, इन लोगों की ज़रूरत है और आपने क्यों बनवाई। जिस जो पात्र लोग हैं सब लोगों के लिए राशन मिलता है प्रत्येक घर में जो पात्र हैं, और विकलांग और वृद्धा दोनों लोगों की कम से कम मैंने 60 लोगों की पेंसिल बनवा दी अब तक। तो ये थे राहुल शर्मा जी, ग्राम प्रधान कुसरम और जिला अध्यक्ष भी हैं प्रधान संगठन के, नगला सुबह से बिलोंग करते हैं। इन्होंने किस प्रकार से विकास कार्य को धरातल पर उतारा है, काफ़ी विकास कार्य कराए हैं, सामाजिक कार्यों में भी इनकी रुचि रहती है। ऐसी एक आगे शख्सियत के लेकर हाजिर रहेंगे हम आपके साथ समाचार प्राइम 24 के लिए अलीगढ़ से।